तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन का पहले एक वीडियो कर लिया था। उसमें हमने बताया था कि और एक मेथड है जिससे कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इक्वेशन ऐसा होता है कि a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि x और y का वैल्यू हम फॉर्मूला के अंदर भी पुट करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमने आपको बताया था, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। दोस्तों, अगर हम b1c2 माइनस b2c1 को x के नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। दोस्तों, हम इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। दोस्तों, हमने x के साथ साथ y का भी फॉर्मूला आपको बताया था पहले वीडियो में, y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो y बाय c1a2 माइनस c2a1 क्या हो गया, 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। दोस्तों, हम इसको इक्वेशन 2 में ले लेते हैं। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या पता लगता है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में पहले का वैल्यू दूसरे का वैल्यू इक्वल है और इक्वेशन 2 में दूसरे का वैल्यू और एक वैल्यू के साथ इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि a इज इक्वल टू b और दूसरे इक्वेशन में b इज इक्वल टू c। तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो वही यहाँ पर हम लिख सकते हैं, x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 तो इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। दोस्तों, आपने 10th क्लास में मैट्रिक्स नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक और आगे नहीं बताता हूँ। तो x क्या हो गया, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, y बाई वैसे ही c1c2a1a2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1a2 माइनस c2a1 और 1 बाई a1a2 और b1b2 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। दोस्तों, इसी में ही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से और भी अच्छा तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझा देता हूँ, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बोर्ड के क्वेश्चन में कभी आपको नहीं पूछा जाता है कि भाई तुम जैसे चाहो वैसे निकालो, तुम्हें बोला जाता है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालो या फॉर्मूला पुट करके निकालो या और दो मेथड हैं जो कि मैंने पहले वीडियो में था उस ट्रिक से निकालो। ऐसा नहीं बोल जाता है कि भाई तुम्हें जैसा पसंद है वैसा निकालो। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर में जाना है, समझे ना। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन बनाया गया है भाई पहले से, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनका वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजी से, क्योंकि मुझे पता है आपको ये पता है भाई। तो a1 का वैल्यू पहले इक्वेशन में 1 है, b1 का 2 है और c1 का 1 है, ये आप देख सकते हैं। और a2 का वैल्यू 2, b2 का माइनस 3 और c2 का माइनस 12, ये आप देख कर बता सकते हैं भाई। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाय a1b2 माइनस a2b1 y बाय c1a2 माइनस c2n इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। सब a1b1c1 और a2b2c2 का फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। तो थोड़ा आसान और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा ऐसा हालत हो गया, x बाय माइनस 24 प्लस 3 इज इक्वल टू y बाय 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 3 माइनस 4। तो x बाय माइनस 21 इज इक्वल टू y बाय 14 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बाय माइनस 21 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 बाय 7 और y बाय 14 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7। दोस्तों, हमने क्या किया, जो x बाय माइनस 21 था इसको इक्वल कर लिया माइनस 1 बाय 7 के साथ और y बाय 14 को हमने इक्वल कर लिया माइनस 1 बाय 7 के साथ। तो x का वैल्यू हमें क्या आ गया, माइनस 21 बाय माइनस 7 और y का वैल्यू क्या आ गया,
-14/7, तो x का वैल्यू आ गया -1 जो है -7 यानी कि 3, और y का वैल्यू आ गया -2। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसान से यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल दिया, और वो भी किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ और एक बार भी, आप पहले क्वेश्चन पढ़ना कि भाई कौन से मेथड से आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है, आप उसी मेथड से ही x और y का वैल्यू निकालना, नहीं तो आपको पूछा गया है भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से निकालना है और आप निकल आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर। अगर आपका आंसर इक्वल होगा तभी भी आपको लेकिन पूर्ण मार्क यानी कि 5 out of 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं होगा। तो आपसे मैं वो और एक बार बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन पहले पढ़ना और उसके बाद आंसर की तरफ चलना। तो चलिए दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि मैं आपको पहले से ही देना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया था, तो चलिए अभी बता देता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अगर दोस्तों यहाँ पर c1 और c2 दोनों 0 हो गए तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यानी कि c1 और c2 एक इक्वेशन में नहीं है, आप ऐसा ही सोच लो, 0 हो गए तो क्या उनका वैल्यू नहीं है इक्वेशन में। तो a1x + b1y हो गया 0 और a2x + b2y हो गया 0। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बता गया हो तो आप क्या करेंगे, आप बोलोगे भाई हमें पता है दो मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक फॉर्मूला, हम इसको निकालेंगे। नहीं भाई, मैं आपको चुटकी में आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर x और y का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर c1 और c2 0 है, इसीलिए यहाँ पर x 0 होगा और y भी 0 होगा। दोस्तों मैंने आपको नीचे एक एग्जांपल दे दिया है, आप यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना, अगर 0 आता है तो यस कमेंट करना और अगर 0 नहीं आता तो नो कमेंट करना, क्योंकि भाई दोस्तों यहाँ पर आंसर x और y का वैल्यू 0 ही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।